दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज ग्रुप ए में बहुत ही बड़ा मैच खेला गया था और इस शानदार मैच के खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो आज किस वीडियो में हम आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी 8 टीमें इस साल सुपर 8 में क्वालिफाई करेगी। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप लोग T20 वर्ल्ड कप का पॉइंट टेबल मैच खत्म होने के बाद सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम अपने टेलीग्राम चैनल पे टीम इंडिया के आने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचों का शेड्यूल ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो फटाफट से टेलीग्राम पे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और T20 वर्ल्ड कप 2024 का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज एक इंपॉर्टेंट मैच भारत और यूएसए यानी कि इंडिया अमेरिका के बीच में हुआ था और इस मैच के खत्म होने के बाद T20 वर्ल्ड कप 2024 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला। तो आइए बात करते हैं वन बाय वन सभी ग्रुप्स के पॉइंट टेबल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रुप ए के पॉइंट टेबल के साथ। तो ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में पांचवें पोजीशन पे जो टीम है वो टीम है आयरलैंड की, और आयरलैंड की टीम ने अभी तक टोटल 2 मैच खेले और 2 के दोनों मैचों में आयरलैंड की टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो अभी आयरलैंड की टीम 0 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है और आयरलैंड का नेट रन रेट -1.712 है और आयरलैंड की टीम सुपर 8 के दौर से बाहर है, यानी कि अब आयरलैंड सुपर 8 में नहीं जा पाएगी। इसके बाद ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पे कनाडा की टीम है और कनाडा की टीम ने अभी तक टोटल 3 मैच खेले जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 मैच में ही कनाडा की टीम को जीत मिल पाया और 2 मैचों में कनाडा की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी कनाडा की टीम टोटल 3 में से सिर्फ 1 मैच जीतने और 2 मैच हारने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे पोजीशन पे मजबूती से है और कनाडा की टीम का नेट रन रेट -0.493 है और कनाडा की टीम भी सुपर 8 के दौर से बाहर है, यानी कि कनाडा ग्रुप ए से सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। इसके बाद ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पे बाबर आजम की कप्तानी वाली यानी कि पाकिस्तान की टीम आ चुकी है और पाकिस्तान की टीम ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप 2024 में टोटल 3 मैच खेले जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 1 मैच में ही पाकिस्तान की टीम को जीत मिल पाया और 2 मैचों में पाकिस्तान की टीम को हार का सामना करना पड़ा। तो अभी पाकिस्तान की टीम टोटल 3 में से 1 मैच जीतने और 2 मैच हारने के चलते 2 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे पोजीशन पे है और पाकिस्तान की टीम का नेट रन रेट +0.191 है। और यदि पाकिस्तान की टीम को यहां पर से सुपर 8 में जाना है तो इनको प्रे करना पड़ेगा कि अमेरिका की टीम अपने अंतिम मैच में कनाडा से हार जाए और उधर पाकिस्तान को बचे हुए मैच को जीतना पड़ेगा, तभी जाकर के पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई कर पाएगी। इसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे पायदान पे आज के मैच में हारने वाली टीम यानी कि यूएसए अमेरिका की टीम है और अमेरिका ने अभी तक T20 वर्ल्ड कप 2024 में टोटल 3 मैच खेले जिसमें से 2 मैचों में तो यूएसए को जीत मिला लेकिन आज एक मैच में इनको फाइनली भारत ने हरा दिया। तो अभी अमेरिका की टीम टोटल 3 में से 2 मैच जीतने और सिर्फ 1 मैच हारने के चलते 4 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सेकेंड पे है और अब अमेरिका का नेट रन रेट माइनस में भी आ चुका है और अमेरिका की टीम को सुपर 8 में जाने के लिए अपने अंतिम मैच में किसी भी कंडीशन में आयरलैंड को हराना पड़ेगा, तभी जाकर के अमेरिका सुपर 8 में क्वालिफाई कर पाएगी। इसके बाद ग्रुप ए के पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे आज के मैच में जीतने वाली टीम और रोहित शर्मा की कप्तानी वाली यानी कि T20 वर्ल्ड कप इतिहास की पहली चैंपियन भारत की टीम है और भारत ने अभी तक टोटल 3 मैच खेले और 3 के तीनों मैचों में टीम इंडिया को बैक टू बैक जीत मिला। तो अभी 6 अंकों के साथ भारत की टीम पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पे है और आज के मैच को जीतते ही टीम
इंडिया सुपर 8 में जाने वाली तीसरी ऑफिशियल टीम बन चुकी है। तो कुल मिलाकर के भारत का नेट रन रेट भी +2.00 के आसपास जा चुका है और आज अमेरिका को हराते ही टीम इंडिया को सुपर 8 का टिकट तुरंत ही मिल गया। तो ये था ग्रुप ए का पूरा पॉइंट टेबल। तो अब बात करेंगे ग्रुप बी के पॉइंट टेबल के बारे में। तो ग्रुप बी के पॉइंट टेबल में पांचवे पायदान पे ओमान है, जो कि 3 में से 3 मैच हारी और इनके 0 अंक है और ओमान की टीम सुपर 8 से बाहर है। वहीं चौथे पायदान पे इंग्लैंड है, जो कि 2 में से 1 मैच जीत और 1 मैच इनका रद्द हुआ, तो 1 अंकों के साथ चौथे पायदान पे इंग्लैंड है और इनका नेट रन रेट -1.800 है। और इंग्लैंड को सुपर 8 में जाने के लिए अंतिम दोनों मैच जीतना पड़ेगा और प्रे करना पड़ेगा कि स्कॉटलैंड ऑस्ट्रेलिया से बड़े अंतर से हार जाए। इसके बाद तीसरे पायदान पे नामीबिया है, जो कि 3 में से 1 मैच जीता, 2 मैच हारा, इनके 2 अंक और ये टीम भी सुपर 8 से बाहर है। सेकेंड रैंक पे स्कॉटलैंड है, जो कि 3 में से 2 मैच जीता, 1 मैच ड्रॉ हुआ, तो 5 अंकों के साथ स्कॉटलैंड सेकेंड पे है और इनका नेट रन रेट +2.164 है और इनके सुपर 8 में जाने के चांस है। वहीं ग्रुप बी में सबसे टॉप पे ऑस्ट्रेलिया है, जो कि 3 में से 3 मैच जीता और इनके 6 अंक है, इनका नेट रन रेट भी +3.580 है और ऑस्ट्रेलिया ऑफिशियली सुपर 8 में जा चुकी है। तो ये था ग्रुप बी का पॉइंट टेबल। अब बात करेंगे ग्रुप सी के पॉइंट टेबल के बारे में। तो पांचवे पायदान पे न्यूजीलैंड है, जो कि पहला मैच बड़े अंतर से हारा, इनके 0 अंक है, इनको सुपर 8 में जाने के लिए अंतिम 3 मैच जीतना होगा और इनका नेट रन रेट -4.200 है। चौथे पायदान पे पापुआ न्यूगिनिया है, जो कि 2 में से 2 मैच हारा और ये टीम सुपर 8 से बाहर है। थर्ड पे युगांडा है, जो कि 3 में से 1 मैच जीता, 2 मैच हारा, इनके 2 अंक और युगांडा भी सुपर 8 से बाहर है। उसके बाद सेकेंड रैंक पे वेस्ट इंडीज है, जो कि 2 में से 2 मैच जीत चुके और इनके 4 अंक और इनका नेट रन रेट +3.574 है और वेस्ट इंडीज के पास सुपर 8 में जाने का काफी बढ़िया मौका है। वहीं ग्रुप सी में सबसे टॉप पे राशिद खान की टीम अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान 2 में से 2 मैच जीता, इनके 4 अंक और इनका नेट रन रेट +5.225 है, जो कि बहुत बढ़िया है और अफगानिस्तान की टीम सुपर 8 में जरूर जाने वाली है। तो अब बात करेंगे ग्रुप डी के पॉइंट टेबल के बारे में। तो ग्रुप डी के पॉइंट टेबल में पांचवे पोजीशन पे श्रीलंका की टीम है और श्रीलंका की टीम ने अभी तक 3 में से 2 मैच हारे और इनका 1 मैच रद्द हुआ, तो इनके 1 अंक है और ये टीम सुपर 8 से बाहर है। वहीं चौथे पायदान पे नेपाल है, जो कि 2 में से 1 मैच जीता और 1 मैच रद्द हुआ, इनके 1 अंक है और नेपाल भी सुपर 8 से बाहर है। वहीं थर्ड पे नीदरलैंड है, जो कि 2 में से 1 मैच जीता, 1 मैच रद्द हुआ, इनके 2 अंक है, नेट रन रेट +0.024 है और नीदरलैंड भी लगभग चांस है कि सुपर 8 में नहीं जाएगा। वहीं सेकेंड पे बांग्लादेश है, जो कि 2 में से 1 मैच जीता, 1 मैच हारा, इनके 2 अंक है और बांग्लादेश के सुपर 8 में जाने के चांस है। वहीं टॉप पे अफ्रीका है, जो कि 3 में से 3 मैच जीता, इनके 6 अंक है, नेट रन रेट +0.603 है और दक्षिण अफ्रीका 100% सुपर 8 में जा चुकी है। तो यह था T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज का नया पॉइंट टेबल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।